सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सब लोग इसका हिस्सा हैं, और आप सभी पत्रकार मित्रों से भी मैं निवेदन करूंगा, मेरे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे आदर्श और ऐसे प्रेरणा पुरुष हैं, उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया एक पेड़ माँ के नाम लगाइए। माँ माने जो जन्म देने वाली है, माँ ये धरती माँ है, और हम लोग तो प्रयाग में है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मैया का तीनों का संगम भी है, तो एक पेड़ माँ के नाम लगाने का यह जो शुभ दिन है इसका सदुपयोग करें। उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण के कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी लगभग जिलों में जो प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण हैं वह सब लोग गए हैं, और प्रदेश के मुख्यालय यानी लखनऊ से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। जी अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, अरे यार वृक्षारोपण की आज बात कर लो, अरे बढ़िया कांवर यात्रा निकले, आप भी कांवर लेके जाइए, भगवान भोले बाबा को जल चढ़ाइए, मतलब लोक और परलोक सब सुधर जाएगा। विपक्ष वो कह रहा है कि नाम लिखना गलत है, सही है। विपक्ष भी जाके कांवर लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए, जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी, और उनको लगेगा कि कांवर जब उठा करके कोई कांवरिया जाता है तो ये सावन का पवित्र महीना है, और सौभाग्य की बात है कि सावन के पवित्र महीने के पहले दिन सोमवार पड़ रहा है। सोमवार का बड़ा महत्व है, और हजार दो हजार की संख्या में नहीं, लाख दो लाख की संख्या में नहीं, कई करोड़ कांवर या कांवर लेकर के बाबा को चढ़ाने के अलग अलग जो मंदिर है, जो हमारे ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं, और जो सवाल उठा रहे हैं मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, वो ये कांवर यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। देखिए 10 चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, हम मजबूती से लड़ेंगे और अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे। मेरा तो सब है, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश है मेरा, फूलपुर भी मेरा है। सरकार और संगठन को लेकर तमाम तरह की अफवाहें आ रही हैं। कोई अफवाह नहीं है, ये अफवाह आप सब मेरे मीडिया के परम मित्र लोग जो है उसको अफवाह बना देते हो। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।